आपने टिकट्स ले ली हैं तो रिफंड हो जाए। हमने हफ्ता पहले की बुक कराई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम 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 बैक टू नोमी व्लॉग्स। इतनी एनर्जी लगानी पड़ जाती है खाम खाम है। ये देख लो पसीना आने लग गया, माथा फुल चमकने लग गया। ये मैंने स्पेशल इंट्रो करने के लिए पंखा च बंद किया था। चल जा चल जा चल जा चल जा। सो बताओ जी क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत कैसी है और ईद का सुनाओ, ईद कैसी गुजरी। मेरा तो ये ईद डे वन वाला सूट भी अभी तक ये इस कुर्सी पे पड़ा है। आप लोगों को पता ही है ना, मैं कहता होता हूँ कि अगर किसी ने काम शाम करने हो तो वो व्लॉगिंग शुरू करते हैं, उसके काम होने लग जाते हैं। अब देख लेना ईद के पहले दिन का सूट है, ये तीन दिन हो गया इसको ये यहीं पड़ा है, लेकिन अब मैंने व्लॉग करना शुरू कर दी है, अभी दस्ती यहाँ से गायब हो जाएगा। एनीवेज तो मैं फिलहाल आप लोगों को आज के प्लान के बारे में बता देता हूँ। ये देख लो फिलहाल तकरीबन 12 बज रहे हैं, आज जुमा है, तो फिलहाल मैंने जुमे की तैयारी करनी है और उसके बाद फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आ रही है आज, तो उसका सीन फुल ऑन है। भाई ने कोई हफ्ता पहले की टिकट बुक करा के रखी हुई है। यार ये वीडियो में आ रही है तो मेरी टिकट पे कोई फिल्म ही ना देगा, मतलब कि हाँ ये व्लॉग तो उसके बाद ही आएगा। चार्जिंग तो हमेशा की तरह हो ही नहीं ना सकती मेरे फोन की। ओके और हाँ, बड़े लोग मुझे कहते थे नोमी तेरे पास एक ही लाल रंग की बेडशीट है, पैसा बहा दिया गया है भाई इधर। ये तकिया थोड़ा सा नंगा हो रहा है यार, ये तौलिया यहाँ क्या कर रहा है। ये देख लो ये हैंगर किधर पहुंचा फिर रहा है। कर दिए व्लॉग शुरू, अब हो जाएंगी चीजें सेट खुद ही। हाँ मैं तो बस इतनी सी बात कहने आया हूँ कि यार लोग देख रहे हो, मजा भी आ रहा है, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे। लाइक कर दो यार, फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है, उसके साथ सब्सक्राइब है वो भी कर दो यार। आज ना मूवी वगैरह का सीन है तो खाना पीना तो फुल ऑन ही होगा फिर, लेकिन मेरे साथ ना एक मसला है कि मुझे फुल वो तेजाबियत वाला सीन हो जाता है, फुल एसिडिटी। ये लेज का खाली पैकेट इतना कीमती हो गया कि उसको बचा के स्पेशल इधर रखा होगा। इसमें क्या है? हाँ ये पड़ा है। किसी ने मुझे बताया कि अगर ये जो इसबगोल का छिलका वगैरह होता है इसको हम पानी में डाल कर रखेंगे तो वो जारी बात है फूल जाता है। तो हम पहले मैं क्या किया करता था, पहले मैं इसको पानी में डाल कर रखता था और फिर पीता था। अब मुझे किसी ने बताया कि इसको ऐसे ही खाओ और ऊपर से पानी पियो, उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो आज हम लोग वो ट्राई कर रहे हैं। चलो जी छिलके का रिव्यू हो रहा है इधर। यार ये इतना सारा बाहर गिर गया है, ये मैं तो इधर था ही नहीं, मैं आया ही नहीं किचन में। फिलहाल जुमे पे भाई ये वाला सूट पहनेगा। ओए होए होए होए, इसके साथ ही मूवी देखने जाना है तो उसके लिए भी मैं कोई कपड़े वगैरह देख लेता हूँ। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि फुल मैन इन ब्लैक बन के चला जाता हूँ। ये जुमे के कपड़े आ गए, वो मूवी के कपड़े आ गए। ये देखो भाई जो जुमे के कपड़े होते हैं वो भाई फुल प्रेस करवा के पहनता है, बाकी तो फिर ऐसे ही चलते हैं, नहा के पहन लिए खुद ही प्रेस हो जाते हैं। साथ ही ये वाली शर्ट भी पड़ी है, ये भी साथ ही पहन लेंगे, सारा कुछ पहन लेंगे। अरे हाय क्या लग रहा है भाई, फिलहाल मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने और फिर जुमे के बाद फौरी निकलना है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। बाकी खैर मिलते हैं जुमे की नमाज के बाद। जूते मैंने ये वाले निकाले थे, ये वाले, लेकिन इनके साथ सॉक्स ही नहीं है, इसके अंदर पड़ी नहीं है सॉक्स, मैं अंदर ही रख देता हूँ, इसके अंदर पड़ी नहीं हुई, तो फिलहाल ये वाली चप्पल पहन के रहते हैं। थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसको मैं साफ कर लूंगा। और बाकी जो ये चप्पल पड़ी है ना इसकी कहानी, ये फुल, ये देखो ओहो फुल मरी पड़ी है, इसकी कहानी ना, इसकी कहानी फिर कभी सही। इधर से मैंने कैमरा चलाया, उधर से वैसे सब आपने टांग नीचे कर दी, जैसे पहले बैठा था वैसे ही बैठना। हाँ जी, तो ये जो ड्राइविंग कर रहे हैं ये मेरा एक बड़ी है और इसका इंट्रो यही है कि ये गाड़ी इसकी है। और बस खैर ये दोनों, ये जो दोनों है ना मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ये दोनों मेरे स्कूल बडीज थे, ठीक है। जब मेरी इससे बिल्कुल नहीं ना बनती थी उबैद से, तब मेरी इससे बनती थी, ठीक है। फिर कॉलेज में गया तो कॉलेज में इन दोनों की बन गई और मैं, मेरी खत्म हो गई इनसे। और उसकी वजह मुझे आज भी नहीं पता, ये पुप्पी बैठी है सर। और उसकी वजह मुझे आज भी नहीं पता, ये पुप्पी है उसकी वजह। फिर मेरी जिंदगी, फिर मेरी जिंदगी में ये आए भाई, दो बंदे मिलके एक साइड पे हो गए, ये अकेला रह गया, इसको फिर मैंने साथ दिया थोड़ा सा और ये काट दूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ये इनको तो आप जानते ही होंगे और इनके बारे में तो बोलते आ रही है। यार उबैद भैया आपने लेट कराया यार, मुझे फुल लेट करा दिया। अरे पहुंच जाएंगे यार इंशाल्लाह, टेंशन ना ले। मेरे पास पैसे कितने हैं? मेरे पास ये देख यार, क्या करने हैं ये देख, यार लेट हो जाएंगे बस, ठीक है यार कोई बात नहीं। लेकिन उबैद साहब एक बात है, ये कितने की टिकट थी अपनी, दिखाई मोबाइल दिखाई अपना, 550 की टिकट है ना, तो मूवी है 2 घंटे 6 मिनट की, यानी कि कितने 120 126 मिनट हो गए ना, 550 डिवाइडेड बाय 126
4 रुपए का 1 मिनट बन रहा है। अब जितना जितना लेट हुए ना, जितने मिनट लेट हुए उतने पैसे पे करेंगे आप। अच्छा, और जितनी बनता तो वैसे ड्राइवर का है, यानी कि जो लेट आया है, लेकिन उसकी गाड़ी है तो हम उसे कुछ कह नहीं सकते। फिल्म देखने जा रहा हूँ। कौन सी देखने जा रहे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स। आपने लोकी देखा है? देखा हुआ। आपने वांडाविजन देखा? वांडाविजन भी देखा हुआ। व्हाट इफ नहीं देखा? वाह, क्या झूठ बोल रहा है। वांडाविजन कब देखा था ना मैंने? हाँ, मेरा ख्याल है 5 स्टोरी नहीं, मैंने पूरा देखा। ये यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं वांडाविजन 5 मिनट ये उबैद के काम है। हाँ वही ना, तो पूरा सीजन देख लेते हैं। ओ यार, वो वांडा भी नहीं तो है भी, वो फुल ब्लैक एंड व्हाइट में, वो मजा ही नहीं आता उसका। स्टोरी चाहिए थी ना, वो हमने देख ली। हाँ, स्टोरी तो देख ली है यार। ये तो हम लोग बहुत खुश खुश नहीं जा रहे सिनेमा की तरह? नहीं यार, इतनी खुशी तो नहीं ना हो सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, हम लोग सिनेमा पहुंचे तो हमें पता लगा कि ये सेंसर बोर्ड ने मूवी ही बैन कर दी है। नहीं, ये देखे ना, अब आप मुझे ये बताए, ये यहाँ 5 बजे का शो हो रहा है ना, सुबह 10:15 का शो था, वो आप लोगों ने नहीं दिखाया, तो आप फिर आप पोस्ट करें। इस वजह से नहीं किया उन्होंने, पहले 11 बजे का टाइम दिया। अभी तो 5 बजे का देख लिया है, उसके बाद उन्होंने फिर 1 बजे का टाइम दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा कॉल किया उन्होंने, 3 बजे का टाइम दिया। ये तो टाइम दिया, अगर ये टाइम ही आप अपने फेसबुक पे अपडेट कर दो, कहीं वेबसाइट पे अपडेट कर दो, तो हम लोग इतने दूर से आए हैं, वो तो करो ना। जो 5 बजे देख रहे हैं वो चल रहा होगा। हाँ, वो तो आ रहा होगा, बड़ा खुश हो गया कि भाई मूवी देखने जा रहा हूँ, एक हफ्ता पहले से टिकट बुक रही है। मसला ये था ही नहीं कि मूवी बैन हो गई, मसला ये था कि इन्होंने इस मूवी बैन होने की वजह से पहले 2 शो कैंसिल किए, लेकिन स्टिल कोई अपडेट नहीं दी अपने पेज पे। फिर आते हैं इनके मैनेजर साहब, जो हमें बड़ी ही कोई फिट किस्म की ऑफर देते हैं कि भाई आप ऐसा करो, आप ना मूवी का रिफंड ले लो, लेकिन आपका भाई भी है प्रो। मेरी बात, 10:15 आएगी, आपने टिकट्स ले ली हैं, हां, रिफंड हो जाएगी। मुझे पेट्रोल का 1600 रुपया भी दे वापस, ठीक है? हम भी यहां खाने वाले हैं, पेट्रोल का भी देना है रिफंड पे। पेट्रोल के पैसे मैं चलाया, ये इधर ले गया था मैं बाजी। और बात भी सही थी कि ठीक है, मूवी का तो रिफंड दे रहे हो, लेकिन वो पेट्रोल का भी तो दो हमें फिर पैसे के। भाई हम तो आपकी वजह से मूवी देख रहे हैं, और अब आपका मसला है कि मूवी नहीं चल रही। हमने तो अपनी तरफ से हफ्ता पहले की टिकटें बुक कराई हूं, लेकिन यार स्टिल वही बात है कि यार इनका जरा भी कसूर नहीं है, और इनके लिए ना मेरे दिल में लव ही है, कोई हेट नहीं है बिल्कुल भी। और ये पूरा दिन भी जाया हो गया, आपने भी कहा 5 मिनट तक नहीं। सर आपका काम है यहां भी लेना, आपकी जॉब है सर, जॉब है नहीं टिकट लेके गए थे। मैं आपको ये बात नहीं कर रहा, आप सुने मेरी बात, आपकी ना जॉब है यहाँ खड़े होना, उसी तरह हमारी ही जॉब नहीं है, हमारी जो जॉब है ना हम वो छोड़ के आएंगे। आपकी बात बिल्कुल बजा है, मगर सिर्फ हमारे सहन में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। मेरे भाई दूसरे पाकिस्तान में हम गए हैं, तो मैं कर दो। ये लोग बड़े ही नाइस थे, और वाकई ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। खैर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना वहाँ हर बंदे का फोन नंबर ले लिया, और उन्होंने कहा जैसे ही हमें अलाउ होता है ना पीछे से, हम लोग आपको कॉल शॉल मारेंगे, और आप आ जाना और देख लेना मूवी। हाँ जी, तो भाई सीन ये है कि कोई मूवी नहीं चल रही इधर, ठीक है, और टिकटें बेच रहे हैं, फुल टिकटें बिक रही हैं, हमने हफ्ता पहले की बुक कराई हुई थी, और अभी भी यानी कि इनकी वेबसाइट पे अब ना हमारा 2:45 का शो था, अब वो कैंसिल हुआ है, कोई सेंसर बोर्ड का पंगे हैं, ठीक है, हो जाता है, टोटली फाइन। लेकिन अभी भी 5 बजे वाला जो शो है ना इनकी वेबसाइट, वो लगा हुआ है, वहाँ की वो चल रहा है सारा, ठीक है, फेसबुक पर टोटल यानी कि ना प्रमोशन चल रही है, लेकिन नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मूवीज नहीं शो हो रही अब। यानी कि सुबह 10:15 का शो था, इन्होंने वो कैंसिल किया। अब अगर सुबह 10:15 का शो कैंसिल किया, तो भाई आप एटलीस्ट पोस्ट तो करो, जिन्होंने इतनी दूर से आना है। अच्छा, और दूसरी बात यह कि रिफंड दे रहे हैं, अब अपनी आवाम ऐसी कोई कमाल की है ना, खुश हो गए रिफंड दे रहे, भाई मेरा रिफंड दे दो, मेरा रिफंड दे दो, फिर खुश हो रहे हैं यार रिफंड मिल गया। तो यार मेरे भाई मुझे कहते कि यार आप रिफंड ले लो, मैं कहा ठीक है मुझे आप रिफंड दें, प्लस मुझे ना आप पेट्रोल के पैसे दे दो, मैं भर के आया हूँ, तो उस पर चुप हो, क्योंकि मैं आया हूँ ना आपके पैसे आया हूँ, मैं मिसलीड हुआ हूँ भाई। तो ये चल रहा है भाई, इधर उन्होंने कहा कि मीटिंग चल रही है, 3:30 बजे जवाब आएगा, तो नंबर तो मैंने ले लिया, देखते हैं क्या बनता है। और अब अगर सिनेमा गया ही था तो अपने बॉयज ने तो उधर मिलना ही था, और ये देखो उधर इतनी टेंशन चल रही है कि ये मूवी नहीं चल रही, और इधर तो चेहरे से खुशियां नहीं जा रही है। हे नहीं यार, आप लोग ट्रू लव हो यार, आप लोग ओपी हो। यार मुझे नहीं पता ये जो मैं ऊपर लड़के आया हूँ उसकी वजह से है या जो भी है, लेकिन अब जाके 5 मिनट पहले ये सिनीपैक्स सिनेमा वगैरह ने पोस्ट किया जी कि पंजाब ओनली डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हैज़ बीन कैंसल्ड, और पता नहीं क्या क्या है। तो ये सीन है भाई इनका, तो उसकी वजह से ना मुझे लग रहा है कि इनको पता है कि मूवी कैंसिल हो गई, लेकिन इनका बंदों को आ रहे हैं तो इनको हम रिफंड करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे यार जो बड़ी दूर दूर से आते हैं, तो उनका ये सीन है कि वो कहेंगे यार चलो अब आ ही गए हैं, चलो कोई और मूवी देख लेते हैं,
तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ अभी देख लो इनसे सारी ऊपर जाके तसल्ली से मैं लड़ लुड़ के आया था, बात करके आया था, और अब मुझे नहीं पता ये यानी कि उस वजह से किया है, लेकिन हाँ ये कर दिए मैंने फाइनली। चलो ठीक है यार, अब जो बाकी लोग आ रहे हैं वो तो यानी कि बच लेंगे। छोड़ यार टेंशन की बातें, वो बताना जो फाइनली मूवी से बैन हट गया था और इन्होंने कहा था कि हाँ जी अब मूवी चलेगी तो आप लोग अपनी टिकटें वगैरह सीधी कर लो। ये भाई चल नहीं रही फिलहाल, लेकिन हाँ बैठ गए हैं ये माशाल्लाह, रास्ते में आधे ख़त्म कर दिए हैं, पता नहीं क्या बनेगा पूरी मूवी में। हो गया भाई, हो गई मूवी, हो गई, आया आया आया, हो गई भाई। फिर से लड़ो यार जाके, सेकंड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं दिखाया। एक बार लड़ दिया भाई, बहुत है। ठीक है, हाँ जी भाई मूवी हो गई है। ठीक है, ये भाई इन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन खा लिया है कि यार पता नहीं क्या सीन है, चलो चलो। हाँ तो भाई मूवी देख ली है यार, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी, वो तो हमेशा ही ऐसे होता है। खैर मैं स्पॉइलर वगैरह कोई नहीं दूंगा, मुझे पता है यार आप लोगों ने मूवी देखनी है अभी, लेकिन बहुत अखीर है यार, बहुत अखीर मूवी थी। और कुछ वो था कि यानी कि जिस चीज़ के पीछे हर वक्त भागते रहे हैं, एंड पे दो मिनट में उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन हाँ शायद ऐसा ही बनता था। तो बाकी कोई नहीं यार, ठीक है, कोई मसला नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छी मूवी थी। और पोस्ट क्रेडिट सीन रह गए यार, लेकिन कोई मसला नहीं, अब जाके यूट्यूब पे कोई ना कोई क्लिप स्लिप तो डाला ही होगा किसी ने, तो वो मैं देखूँगा, तो देख लेते हैं भाई, पोस्ट क्रेडिट सीन भी देख लेंगे। लेकिन हाँ जो एंडिंग थे ना, जो जहाँ मूवी बंद हुई है, माइंड ब्लोइंग। अब सिनेमा वालों ने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं दिखाया, उस चीज़ का दुख तो था ही, लेकिन खुशी इस बात की थी कि फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं रोटी खाने। हाय हाय हाय, और जब आती है ना रोटी मेरे सामने, जब मेरे सामने फूड आती है, तो मेरे से व्लॉग नहीं बनता, मैंने अपनी इस चीज़ पे ना काबू करना है। तो हाँ फिर व्लॉग नहीं किया, लेकिन हाँ पिक्चर जरूर क्लिक की थी, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे कल ही अपलोड कर चुका था। सो यार यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर पिक्चर्स एंड स्टफ। देख रहे हो फॉलो करवाने के नाम पे इंग्लिश निकलनी शुरू हो गई है, कर लो कर लो यार, फॉलो कर लो भाई। इधर पड़े हो 70 रुपए, मांगने वाला आया, कहता भजन पैसे दे दे, 20 रुपए तो कहेंगे यार अल्लाह के नाम पे दे दो, महंगाई कितनी हो गई है, कुछ और दे दो भाई, खर्चा किया खर्चा, आईफोन है, ऐसी बात नहीं है। खैर सो यहाँ हमारा ये वाला जर्नी खत्म होता है और मैं पहुँच जाता हूँ अपने घर। हाँ जी, तो वापसी हो चुकी है और साथ ही थकावट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। आज हमारा 2:45 का शो था, लेकिन वो 4:15 जाके शुरू हुआ, और वो भी सही तरह शुरू नहीं हुआ था, वो भी उन्होंने 4:30 तो कर ही दिए थे, तो तकरीबन 1.5 घंटे यहाँ से उन्होंने उड़ा दिया। तो उसी सिलसिले में ना लेट हो गए, मुझे था कि मैं कुछ 7-8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे में व्लॉग एडिट करके फेंक देना यूट्यूब पे, लेकिन इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, हाँ ये देखो 10:34 हो रहे हैं, तो 10:30 तो हो गए, तो अब तो मेरे ख्याल में मैं सोऊंगा और ये व्लॉग अब कल ही आएगा। तो बस फिर यही था आज के लिए, उम्मीद करता हूँ लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। हाँ आया ना पसंद, कर दो लाइक, लाइक कर दो, कमेंट्स भर दो, आग लगा दो कमेंट्स को। तो खैर बस फिर यही था आज के लिए, मिलता हूँ आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।